ड्राइवर और कटनी न होई बलम। जी हाँ, दो ये गाना आज रिलीज हुआ है, एक म्यूजिक वाइन पर रिलीज हुआ तो दूसरा वेब म्यूजिक पर। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों की। और आपको बता दें, एक ट्रैक्टर के ड्राइवर अगर खेसारी लाल यादव हैं तो कटनी न होई बलम के गायक पवन सिंह हैं। और आपको बता दें कि इन दोनों का ये सॉन्ग लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जहां वेब म्यूज़िक ने अपने ऑफिशियल चैनल से एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि 8 घंटे में पवन सिंह का ये सॉन्ग 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका था, यानी 10 लाख लोगों से ऊपर इसे लोगों ने देख लिया था। ऐसा वेब म्यूज़िक ने अपनी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन म्यूज़िक वाइंड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और म्यूज़िक वाइंड की बात करें, यानी जहाँ पे खेसारी का सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, तो अभी ये सॉन्ग 12 घंटे में 9 लाख व्यूज़ बता रहा है। और जहाँ तक हमारे सोर्सेस का मानना है कि 1 मिलियन इसका भी क्रॉस हो चुका है। लमसम दोनों के 1 मिलियन जो क्रॉस हुए हैं सेम टाइमिंग पर हुए हैं, तो इसलिए कौन सा गाना बड़ा है कौन सा गाना छोटा है आप ये नहीं कह सकते। पवन पांडे ने खेसारी का गाना लिखा है तो विक्की ने पवन सिंह का गाना लिखा है, और दोनों के बोल बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन अगर सबसे अच्छे बोल की बात अगर आप यहाँ पे करेंगे तो वो किसी और के नहीं, पवन सिंह के हैं, और बड़े ही अच्छे और बहुत ही प्यारे बोल हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर खेसारी के गाने की बात करेंगे तो उसकी जो लिरिक्स की जो धुन है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही कैची है, आप ये कह सकते हैं। तुरंत आप उस गाने को गुनगुना सकते हैं, इस तरह है। अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें तो सेम दोनों की वीडियो क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है। अगर आप सेट की बात करेंगे तो दोनों ने सेट कोई शानदार नहीं लगाया है। हाँ, एक छोटा मोटा सा सेट लगाकर गाने को शूट कर लिया गया है और फिर बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर आप कहेंगे तो दोनों के गाने ठीक ठाक हैं। और जो उनके फैंस हैं जिनको कटनी गाने का इंतज़ार था कि हाँ चैत की कटनी गाने का लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था। खेसारी के तो गाने आए भी थे पिछले साल, लेकिन पवन सिंह के नहीं आए थे। पवन सिंह के काफ़ी लंबे अंतराल बाद कटनी वाले सॉन्ग आ रहे हैं चैत के, तो आप लोग जो पवन सिंह के फ़ैन हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका पावर स्टार उनके लिए एक गाने लेकर आए हैं जो चैत के कटनी से रिलेटेड है। खैर, आगे हम आपको बता दें कि दोनों गानों में बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पवन सिंह व्यूज़ के हिसाब से आगे। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक वाइन ने अभी जहाँ तक देखा जाए तो ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी भी नहीं किया है और ये कहा भी नहीं है कि उनके स्टार का जो ये गाना है रिलीज़ हुआ है उसने कितने घंटे में कितने व्यूज़ हासिल किए हैं। जहाँ तक अगर आप जाकर चैनल पर देखेंगे तो अभी 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन अगर हो सकता है हमारा वीडियो जाते जाते लेट हो जाए तो हो सकता है क्रॉस हो भी जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं हुआ है, जबकि 11 से 12 घंटे हो चुके हैं गाने को रिलीज़ हुए। और वहीं पे पवन सिंह का क्रॉस भी कर चुका है और शो भी कर रहा है और पवन सिंह के फैंस को गाना पसंद भी आ रहा है। तो फ़िलहाल जो दिखता है वो बिकता है, आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल अभी पवन सिंह के सॉन्ग के व्यूज़ अच्छा खासे दिख रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पवन सिंह का ये सॉन्ग लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वैसे पीछे तो खेसारी लाल यादव भी नहीं है। आपको किसका गाना पसंद आया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।